हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर की इस लड़की के बारे में जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। कौन है ये लड़की और इसने ऐसा क्या कुछ किया है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों ये जो लड़की है इसको साल 2022 के लिए प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट सायरन अवार्ड 2022 से हाल ही में नवाजा गया। और प्रोजेक्ट सायरन जो है ये इंडियन मेंटल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का एक इनिशिएटिव है जो कि सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी के अंडर में आता है। दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था 2020 में और इसमें ये जो अवार्ड है एक ऐसे रिपोर्टर को दिया जाता है जो रिपोर्टिंग करता है मुल्क में सुसाइड्स के रिलेटेड। दोस्तों जम्मू कश्मीर की इस लड़की का नाम है हीरा अजमत और हीरा अजमत कश्मीर मॉनिटर की एक जर्नलिस्ट है जिसको प्रोजेक्ट सायरन अवार्ड जो है उसकी एक पब्लिकेशन के लिए मिला। और इसने जो अपनी स्टोरी शाया की है यानी पब्लिश की है इसकी स्टोरी का नाम है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल जो है ये ज़िंदगी के बारे में है यानी लाइफ के बारे में है। और इसमें इसने कोशिश की है कि ज़िंदगी को ब्यूटीफाई करे, ज़िंदगी के बारे में लोगों को बताए ताकि जो नौजवान आमादा हो गए हैं सुसाइड करने पर वो सुसाइड ना करें और ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में इसने पूरी कोशिश की है कि लोगों को मालूमात दे, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे। ये आप ऑफिशियल ट्वीट देख रहे हैं सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी का और यहाँ पर लिखा गया है हीरा अजमत इज़ द विनर ऑफ ईयर्स प्रोजेक्ट सायरन अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट्स फॉर हर आर्टिकल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल इमहेंस SRO सेटअप जिंदगी टू प्रिवेंट सुसाइड्स प्रमोट पॉजिटिव बिहेवियर इन कश्मीर। दोस्तों हमारी तरफ से हीरा अजमत को बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।